हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पिछले दिनों जो एक नोटिस निकाला था, जिसमें उन्होंने आने वाली एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी के संबंध में जो एलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया, उसके लिए एक जो है नोटिस निकाला था, लेटर दिया था कि कौन कौन जो है एलपी के लिए एलिजिबल है और क्या उसका मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अनुसार फ्रेंड लगता है कि वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि फरवरी तक में आपको वैकेंसी जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 60,000 के अराउंड तो आपको एलपी टेक्नीशियन दोनों मिला के वैकेंसी वहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा अवसर होने वाला है। तो बहुत से कैंडिडेट का ये क्वायरीज रहता है कि जो वैकेंसी आने वाला है, क्या उसमें सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंजेस रहेगा क्या? तो फ्रेंड देखिए, उसके लिए मैं आज वीडियो आपको लाया हूँ कि उसमें कुछ चेंजेस फ्रेंड रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, साथ ही जो ऐसे कैंडिडेट भी जो है क्वेरीज किए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं कि जिनका सिलेक्शन 2018 वाली वैकेंसी में हुआ है, बट वो अपने घर से बहुत दूर में उनका जॉब है, तो वो चाहते हैं कि क्या इस बार जो वैकेंसी आएगा तो उसमें वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन भी जो है कैंडिडेट पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग जो भी ये ओपन भर्ती है, जो भर्ती आने वाली है 2024 में, तो इसमें आप लोग जॉब कर रहे हैं टेक्नीशियन का, फिर भी आप जो ये भर्ती आएगा इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने नज़दीकी जो भी आपको बोर्ड सही लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन वैकेंसी है। ठीक है, अगर यही वाला GDC वैकेंसी रहता तो आप टेक्नीशियन होते हुए टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी आने वाला है ये ओपन वैकेंसी है, तो जो कैंडिडेट अभी जॉब कर रहे हैं, जो छात्र अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी जो है ये वाला टेक्नीशियन में जॉब कर रहे हैं, कि मान के चलिए कि टेक्नीशियन में आप सिकंदराबाद बोर्ड में जॉब कर रहे हैं, बट आपका जो है ईस्टर्न रेलवे के साइड में घर पड़ता है, तो आप इस फॉर्म को भर के अगर इसमें सेलेक्शन आपका हो जाता है तो आप अपने इधर में आ सकते हैं, तो फॉर्म को बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब में होते हुए भी। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए जानते हैं कि ये जो आप सिलेबस होने वाला है इसमें किस तरह का चेंजेस होगा या नहीं। तो फ्रेंड पहले बता दें कि सिलेबस में जो है आपका किसी तरह का जो है चेंज वो नहीं होने वाला, जो सिलेबस पहले था वो सिलेबस अभी भी रहेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो देखा गया कि रेलवे में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या जो है क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये जो एलपी टेक्नीशियन का भर्ती आता है, तो इसमें दो CBT आपका होता है, ठीक है, CBT 1 और CBT आपका 2, तो दो CBT यहाँ पे आपका होता है। तो CBT 1 का जो सिलेबस है वो देख लीजिए कैसा है, ठीक है, तो इसमें आपको 60 मिनट टाइम देना पड़ेगा, कॉमन रहता है वो एलपी और टेक्नीशियन दोनों कैंडिडेट के लिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें से मिनिमम परसेंटेज आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे UR के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30 है और ST के लिए 25 है। ठीक है, तो ये वाला आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाई इसको करना पड़ेगा, मतलब इतना परसेंट आपको लाना ही पड़ेगा तभी आपका जो वो गिना जाएगा, ठीक है, आपको गिनती किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 75% इसमें CBT 1 में रहने वाला है। तो CBT 1 में कौन सा सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैथ्स रहेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये सब आपका रहने वाला। तो मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा रेलवे यहाँ वो भी क्लियर कर देता है, सेम जो है उसी चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सा ऐसा होता है कि आपको बहुत सा चैप्टर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं जो मैथ का रहता है, जैसे नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, बोथमास थ्योरी से पूछा जाएगा, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, LCM HCF रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको मैथ से यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। वहीं पर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो ये सारा जो है आपका रीजनिंग का यहाँ पर टॉपिक दिया गया, ये टॉपिक से ही आपको जो है रीजनिंग का पूछा जाएगा, लगभग सारा जो रीजनिंग होता है सिंपल, बाकी जिस तरह SSC का या रेलवे का जो वही सब आपको भी यहाँ पे पूछा जाएगा। जनरल साइंस का बात करें तो जनरल साइंस इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जिसको हम लोग बायो साइंस बोलते हैं, 10th लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जो फर्स्ट CBT होता है फ्रेंड, CBT 1 जो LP टेक्नीशियन दोनों के लिए होता है, उसमें आपका फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी पूछा जाता है और आपका लाइफ साइंस मतलब कि बायो से जो 10th का सिलेबस में रहता है वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। बट जब CBT 2 होता है तो उसमें केवल फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री ही यहाँ पे पूछा जाता है, आपका उस टाइम बायोलॉजी उसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलिए आगे का देखते हैं, सेकंड CBT क्या होता है।
इसको आप क्वालिफाई अगर कर लेते हैं, जितना कटअप मांगा गया है वो आप क्वालिफाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपका उसके बाद सेकंड सीबीटी यहाँ पे होता है, ठीक है। जो लोग सीबीटी फर्स्ट पास करेंगे उसको सीबीटी टू में यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें टाइम कितना होता है, इसमें 2 घंटा 30 मिनट मैंने 2.5 घंटे का टाइम होता है। पार्ट ए के लिए आपका यहाँ पर टाइम दिया जाता है और पार्ट बी के लिए, ठीक है। द सेकेंड इज सीबीटी सेल टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए का ड्यूरेशन कितना रहता है वो देखिए, तो पार्ट ए का ड्यूरेशन आपका रहता है 90 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन ये सब आपको करना पड़ेगा क्लियर। इसमें क्या सिलेबस रहता है वो देखिए, यहाँ पे सिलेबस आपका मैथमेटिक्स यहाँ भी रहता है, मैथमेटिक्स में सारा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी आपको जो है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको भी दिया गया है क्या क्या टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। बात रहा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड हो जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा वो देख सकते हैं। द बोर्ड टॉपिक हैड कवर्ड अंडर द स्टील सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन व्यूज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस ज्योमेट्रिक फिगर्स, ठीक है। तो ये सब जब आप आईटीआई करते हैं या जो डिप्लोमा किए होंगे तो वो लोग का सिलेबस में ये जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है, प्लस यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट मास वेट डेंसिटी वर्क पावर एनर्जी ये सारा चीज़ जो रहता है, मतलब पूरा का पूरा आपका आईटीआई का सिलेबस के अनुसार जितना रहता है सेम चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जाता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में। तो जो आईटीआई आपको यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि जो आईटीआई का बुक होता है वो एक बुक ले ले आप, ठीक है, वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन का, उसमें आपको ये सारा टॉपिक जो है वो मिल जाएगा और जिस तरह से वहाँ पर पूछा जाता है सेम उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। बात करें इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी जो है उसमें रहता है, आप इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का बुक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो यहाँ पे साइंस में पूछा जाएगा टेक्नोलॉजी स्पोर्ट कल्चर पर्सनालिटीज इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उस टाइम पे चल रहा होगा वो आपको करंट अफेयर्स में पूछ देगा। बात करें पार्ट बी का, तो पार्ट बी में आपका 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 75 रहेगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% लाना, मतलब 75 नंबर का आपको 35% यहाँ पे लाना, जो आपका 26.95 बनता है सर, ठीक है। तो 27 के राउंड में आपको करना, ये केवल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के लिए रहेगा, ठीक है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, तो DGET के अनुसार जो सिलेबस दिया जाता है उसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैंडिडेट विथ ITI या ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट ट्रेड, तो जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं या जिस ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप किए हैं वही ट्रेड का जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और CBT आप 1 जैसे ही क्वालिफाई करते हैं आपको इसके लिए ऑप्शन मिलेगा कि आप किस ट्रेड को जो है सिलेक्ट करते हैं CBT 2 के पार्ट बी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो किसी तरह का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप DGET के वेबसाइट पे भी जाके जो है सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे लिखा गया डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा है या 10+2 से जो है कर रहे हैं, ठीक है, वो LP के लिए जो है रिलेवेंट ट्रेड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फिर भी कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है सिलेबस दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और डिग्री डिप्लोमा वाले किस स्टेट को चुनेंगे उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे इंजीनियरिंग का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पार्ट बी के लिए। इंस्ट्रूमेंट मशीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, वायरमेंट ट्रेड को यहाँ पे चुन सकते हैं, रेफ्रिजरेशन को चुन सकते हैं या एयर कंडीशन मशीन वाले यहाँ पे चुन सकते हैं। क्या लिखा देखिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डिप्लोमा या डिग्री उसका रिलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, तो ये सब अगर आप यहाँ पे किए हुए हैं तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को ट्रेड को आप यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियर किए हैं वो कौन सा ट्रेड चुनेंगे, तो यहाँ पे वो फिटर को भी चुन सकते हैं, मशीनिस्ट ट्रेड को भी चुन सकते हैं, मिल राइट मेंटेनेंस को भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे इजी आपको मेरे हिसाब से अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर किए तो आप फिटर को यहाँ पे चुन लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं वो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले जो ट्रेड को वो चुन सकते हैं, ठीक है। आप अपना देख लीजिएगा कि किस हिसाब से आपका जो है वो सिलेबस था आपका इंजीनियरिंग में और आपका जो आपको आसान लगे पार्ट बी में, ठीक है, क्वालिफाई करने में उसी को यहाँ पे चुनना है, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे LP के लिए सिलेक्ट होते हैं, LP का उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो हो जाता है। उसके बाद उनका जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे जिसको CBAT बोलते हैं वो यहाँ पे होगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर जो है 42 मार्क्स इन ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज। यहाँ पे पांच टाइप का टेस्ट बैटरीज होता है जिसमें आपको मिनिमम जो है 42 यहाँ पे मार्क्स आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको करने के बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कुछ सिलेबस था, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो है आपको यहाँ से भर्ती संबंधित अपडेट मिलती रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।